हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको हुक लगाना बताऊंगी कि हुक किस तरीके से हम लगाते हैं और ये आई किस तरीके से हम बनाएंगे इसे मैं बताऊंगी। और देखिए, प्रेस बटन हम किस तरीके से लगाते हैं उसे भी बताने वाली हूँ। हाथ सिलाई किस तरीके से हम करते हैं, तो हाथ सिलाई एकदम बारीकी से फिनिशिंग से कैसे करें वो बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें पट्टी को नीचे रखना है, नीचे से हमें लगाना चालू करना है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए, हमें नाखून से इस तरीके से प्रेस करना है। अब हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कट कर देंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ। तो अब हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम हुक की पट्टी लगाएंगे, तो इसे ऊपर से लगाएंगे। ये मैं लगाना इसलिए बता रही हूँ कि हुक आई पट्टी किस तरीके से हम लगाएंगे, जो हमारा हुक आई पट्टी सही से हम बना सके। इसका तरीका सिलने का यही है, इसके लिए मैंने आई की पट्टी आपको बताई हूँ कि आई की पट्टी हम किस तरीके से लगाते हैं। और ये हुक की पट्टी तो आप कॉमन है, आपको आती होगी। तो हुक की पट्टी को कभी भी ऊपर नीचे से ऊपर करना होता है। अब ये बन गया है। अब इसके बाद में देखिए, इसमें हमें आई बनानी है, तो इससे पहले धागा कट कर लेंगे और इस पर हम निशान लगा के लेंगे। तो देखिए, 1.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, 1.25 इंच या 1.5 इंच की गैपिंग पे। तो जितना पास में रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपका निशान। अब यहाँ ऊपर से हम सिलाई मारना चालू करेंगे, तो एक हमें ट्रायंगल बनाना होता है। तो इस तरीके से हमें देखिए, थोड़ा आगे चल के आएंगे, फिर से हमें ट्रायंगल बनाना है। तो जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है सेम इसी तरीके से आपको करना है। देखिए, एक दाब का गैप होता है बीच में हुक डालने के लिए, फिर सीधी चल करके फिर हमें ट्रायंगल बनाना है, फिर 1 इंच नीचे उतर के काम हमें सिलाई चलाना है। इस तरीके से हमारा ये आई बन करके तैयार हो जाएगा। ये आई बहुत अच्छा रहता है। अगर आप इस तरीके से आई बनाएंगे तो आपका ब्लाउज का जो फिटिंग होगा पहनने पे उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो अब यहाँ पर हम एक सिलाई मारेंगे सीधी, ताकि हुक ये कपड़ा हमारा फट के निकले नहीं। मतलब इसके लिए हमें यहाँ पर एक बीच में भी सिलाई मारनी होती है, और यहाँ पर जो बीच का हमारा धागा है पहला वाला उसे हम कट कर देंगे, ताकि बीच में हमारा इस तरीके से गड्ढा हो जाए तो इसमें हमारा हुक जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे को कट कर लेंगे धागे को। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से कपड़े को रख करके हमें निशान लेना होता है। अब इसके बाद में देखिए, अब हुक लेंगे, हुक को हमें इस तरीके से अंगूठे से दबा देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इस तरीके से सुई डाल करके देखिए, हमें 2 बार राउंड घुमाना है, उसके बाद में खींच के लेना है। धागा को हमें कस के टाइट खींचना होता है, नहीं तो हुक ढीली लगेगी। यहाँ पर आप एक तरफ में आप 2 से 3 बार गांठ दे सकते हैं, दूसरे वाले होल में भी 3 बार गांठ देना है आपको। टाइट खींच खींच करके आप गांठ दे, तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें 2-3 बार घुमाना होता है और फिर हमें आराम से खींचना होता है। अगर आप इस तरीके से हुक लगाएंगे तो आपकी जो हुक बनेगी वो बहुत टाइट बैठेगी, फिटिंग भी अच्छी आएगी, वो जल्दी निकलेगा नहीं वो हुक। इस तरीके से अगर आपने बना करके एक बार देखिएगा, आपका हुक बहुत अच्छे से लगेगा, फिटिंग उसकी जो टाइटनेस है वो बरकरार रहेगी हमेशा, वो कभी खुलेगी नहीं जल्दी। अब दूसरे वाले हुक को भी हम इसी तरीके से हुक लगाएंगे।
इसी तरीके से हम सारे हुक लगा कर के ले लेंगे। साइड में एक गांठ भी देना होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रेस बटन को किस तरीके से रखना है। इस तरीके से प्रेस बटन की जो पट्टी होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, शोल्डर के आधे में ही मतलब आनी चाहिए, ताकि वो जब हम पट्टी को लगाए तो बीच में ही रहे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से उसके होल से सुई को निकाल निकाल के हमें इस तरीके से डालना होता है। तो ये पूरे में हमें कवर कर लेना है। फिर साइड में एक गांठ को देना होता है ताकि वो फिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं मैंने किस तरीके से बनाया है। अब हमें नीचे वाले पार्ट को भी रखना है, तो मेजर करके ले कि कहाँ पर वो आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा आगे ले लेंगे तो वो फिर शोल्डर टाई वो खींचता है, इसलिए मेजर करके लेना होता है कि हम कहाँ पर दूसरे वाले पार्ट को लगाएं। अब इसे भी इसी तरीके से सिलाई करके लेना है हमें। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से मैं लगा रही हूँ, आप भी उसी तरीके से लगाइएगा। तो ये देखिए मेरी प्रेस बटन भी लग चुकी है कितनी बढ़िया से। अब हमें सिंगल धागा डालना होगा तुरपाई करने के लिए। कभी भी तुरपाई आप सिंगल धागे से ही करिए, आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब ये देखिए यहाँ से हमें जो नीचे का पार्ट है उसमें हमें हल्का सा सुई को धसाना होता है और पट्टी में कपड़े ज़्यादा डालना होता है। इस तरीके से देखिए करना होता है। बाहर में कपड़ा आपको एकदम कम दिखना चाहिए, ऊपर में ज़्यादा धागा दिखेगा चलेगा, बाहर धागा एकदम से कम दिखना चाहिए, ना के बराबर। देख सकते हैं धागा नहीं दिख रहा, एकदम बारीक बारीक टाके आते हैं। तुरपाई कभी भी इसी तरीके से आप करिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसी तरीके से साड़ी में फॉल भी लगाया जाता है, उसमें हाथ सिलाई की तुरपाई जो ऊपर की होती है इसी तरीके से किया जाता है। तुरपाई करने का ये बेस्ट तरीका है, आप इसी तरीके से करिए, बहुत अच्छा लुक आता है इसका और पट्टी खुलती भी नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको कवर करके गांठ दे देंगे।